top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जितने भी प्राधिकरण के कर्मचारी उन्होंने तालाबंदी कर दी है। काफी दिनों से काम रोक कर बैठे हुए हैं। अपना उन्होंने साफ कह रखा है हम अगर हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा तो तालाबंदी जब तक रहेगी। और वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग पद पर तैनात कर्मचारी अपने अपने अलग अलग विभाग पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कल रात से लेकर सेक्टर 49 में जो आपके यहाँ प्राधिकरण का जो मेन जो है ऑफिस है उस पर जो है रात से ही प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अब सुबह की गाड़ियां तक इन्होंने जो है रुकवाई हैं। अगर बात करें तो हम कर्मचारियों से बात करते हैं कि आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी मांगे क्या हैं? अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, हमारी मांगे हैं कि हम 25 साल से जो है कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते आ रहे हैं और अभी तक हमारा कुछ काम नहीं करा, ना पहचान पत्र है, ना कोई भी सुविधा हमारी नहीं मिलती, खाली पेमेंट मिलती हमें, इसके सिवा वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कर्मचारी अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ये साफ मांगे कि काफी सालों से ये काम कर रहे हैं प्राधिकरण में, 30 साल से काम कर रहे हैं, पर लेकिन आज तक इनका कोई भी ना तो पहचान, ना तो इनको कोई भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है और ना ही इनको परमानेंट किया गया। आखिर बात की जाए तो प्राधिकरण के अधिकारियों की तो ये सब मामला जो है एक भ्रष्टाचार के एक तरफ जाता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो प्राधिकरण के अधिकारी भी इनको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। इनकी काफी सालों से मांगे रही हैं, पर लेकिन अभी तक प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन इनको नहीं मिला। अब देखने वाली बात ये होगी कि या जो कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं कब इनकी मांगे पूरी होती हैं। सॉरी, रोहित शर्मा, 10 न्यूज, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, 4 तारीख से लगातार चल रहा है सेक्टर 39 के सारे डिवीजन, सेक्टर 37, सेक्टर 19, सेक्टर 20 और सेक्टर 5 के सभी खंडीय दफ्तर 36 से आज तक लगातार बंद हैं। हमारे कूड़ा उठाने वाली सारी मशीनरी सेक्टर 39 में बंद है। बिल्कुल एक भी वाहन को चलने नहीं दिया गया है और आज भी जैसा कि आपको पता है प्रशासन को पूरी रात मैं और हमारे अध्यक्ष जी दोनों वहां पे मौजूद थे और भारी मात्रा में रात पूरे हमारे कर्मचारी साथी मौजूद रहे हैं। सेक्टर 39 में सोए हम रात भर ताकि एक भी गाड़ी निकल न जाए। पूरी रात इनकी हिम्मत नहीं हुई गाड़ी निकालने की और आज भी वही स्थिति है। पुलिस से सहायता मांगी जा रही है, नगर मजिस्ट्रेट साहब के पास में हमारे एक परियोजना अभियंता स्वास्थ्य अधिकारी यादव जी गए थे कि साहब हमें मदद चाहिए। अब पता नहीं कितना सत्य है कितना झूठ है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया मदद देने के, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। काफी सालों से आपकी मांगे, अपनी मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन करते आ रहे काफी समय जी, और 26 तारीख से प्रदर्शन लगातार चल रहा है जी। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों प्रदर्शन करें? सर, हमारी मांगे शुरू से ही आज तक ये रही हैं कि इस नोएडा के जितने भी ठेकेदार हैं उन्हें बीच से हटा दिया जाए और हमें सीधा ही नोएडा प्राधिकरण से वेतन दिया जाए, अन्य सभी सुविधाएं दी जाए। इन लोगों ने आज तक हमें न तो प्राधिकरण का माना है ना ही कभी ठेकेदारों का, क्योंकि ठेकेदार भी मना करते हैं कि हमारे आदमी नहीं है, प्राधिकरण के तहत हमारे आदमी नहीं है। स्थिति ये आ चुकी है इनके कागजों में हमारे नाम तक मौजूद नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड इनके 30 साल से आज तक का नहीं रहा है, जबकि शासन का भी सर आदेश आ चुका है
कि इन लोगों को सीधे विभाग से संविदा से जोड़कर इनको वेतन दिया जाए, लेकिन ये उसको भी छुपा रहे हैं। उसका भी एक कारण है कि हमारे यहाँ पर 4700 कर्मचारी ये दिखाते हैं, लेकिन 4700 कर्मचारी हैं नहीं, 3000 से 3500 के आसपास ही होंगे। उसका सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है और ये भ्रष्ट अधिकारी इस चीज को छुपाने के लिए हमें दोबारा ठेकेदार के माध्यम से, अभी इन्होंने 14 तारीख में एक निविदा खोली है, नए ठेकेदारों को बुलाया जो ईएसआई पीएफ दे सके, लेकिन इसमें इन्होंने अपने अधिकारियों ने अपने माता पिता भाई बहन दुनिया भर के लोगों के नाम लिख रखे हैं और ये लोग हमें सीधा वेतन देने को तैयार नहीं है। ठेकेदारों को बीच में इसीलिए ला रहे हैं ताकि इनका पेट भरता रहे, इनको फालतू का पैसा जेब में जाता रहे। करोड़ों रुपए का घोटाला प्रति माह का हो रहा है। बात की जाए कि आपका जो प्रदर्शन आज आपने ताला भी जड़ रखा है जी, क्या इस चीज को लेकर अधिकारियों से वार्ता करा? सर वार्ता हुई थी हमारी, 3-7 में वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता विफल रही। इन लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में हमारी सारी मांगों को मानने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन वो स्टैंडिंग कमेटी पे आज तक वार्ता बैठक हो नहीं पाई है। अगली अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या? सर मांगे नहीं मानी जाती वही स्टेप हमने कर रखा है, हमने तालाबंदी कर रखी है, सभी विभागीय खंडीय विभागों में तालाबंदी कर रखी है और हमने मंगलवार के लिए इनसे बोल भी दिया है खुल्लम खुल्ला और सोमवार में नोटिस भी दे देंगे कि अब हम काम करना भी बंद कर देंगे। हमें सीधे विभाग से नहीं जोड़ा जाता सर, ये धरना प्रदर्शन और तालाबंदी और कामबंदी लगातार जारी रहेगी, शासन से भी सीधा जोड़ने के लिए आदेश आ चुका है सर। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, अस्थाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे अब की नहीं है तकरीबन। ये वो कर्मचारी हैं जो 30 सालों से काम कर रहे हैं प्राधिकरण में, और हमारे साथ जो है उनके जो है अध्यक्ष हैं जो क्या सर आपकी जो मांगे क्या हैं और अब तक ये मांगे अब तक पूरी क्यों नहीं की गई? शासन स्तर तक आपने अपनी आवाज पहुँचाई है पर लेकिन अभी तक हम नोएडा प्राधिकरण में नोएडा प्राधिकरण के हम अस्थायी कर्मचारी हैं जो पिछले 30 साल से भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत हैं। हमें जो मूलभूत सुविधा होते हैं वो भी आज तक हमें नहीं मिली। हमारे भविष्य निधि पीएफ की भी कोई पता नहीं पड़ रही कहाँ है। अब नोएडा प्राधिकरण जब हम अपनी मांग मांगते हैं तो हम कर्मचारियों को बेचने के मूड में है। हम प्राधिकरण से ये कहना चाहते हैं जब एक शासन से आदेश आ गया है कि इन सभी कर्मचारियों को विभाग द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्यों नहीं जोड़ रहे? हमारी एक ही मांग है जो इन्होंने अभी नई टेंडर प्रक्रिया करी है उसको निरस्त किया जाए और हमें समस्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका आरोप है कि अगर प्राधिकरण के अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते तो अब तक ये संविदा कर्मचारी में होते, इनको परमानेंट कर दिया जाता। पर लेकिन जहां एक तरफ इनको स्थायी नहीं किया जा रहा वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण द्वारा नई भर्ती भी खोली जा रही है। अब सवालिया निशान खड़ा होता है प्राधिकरण के ऊपर कि आखिरकार प्राधिकरण इन कर्मचारियों को परमानेंट क्यों नहीं करता।